नमस्कार दोस्तों, ये पैंटी जिसका एक पार्ट फर्स्ट पार्ट पहला पड़ा हुआ है, आपने उसको देखा होगा, तो उसमें बिल्कुल ये सिंपल थी। ये बिल्कुल इसमें ये फ्रिल व्रिल नहीं बनी थी और ये भी कंगूरे नहीं बने थे। अब ये बिल्कुल यहाँ से हमने सिल लिया और इसमें देखिए ये इस ऊपर इसमें ये डाल लिया। अब हम यहाँ पे जब हमें ज़रूरत होगी तो इस जगह पे इलास्टिक या डोरी बना के हम डाल लेंगे। तो ये आपने उसमें देखा था, मैंने ये मार्कर ये देखिए इस तरह से दिख रही है आगे और पीछे ये इस तरह से। ये फ्रिल कई तरह से बनती हैं, ये बिल्कुल सिंपल वाली है। और आपने उस पार्ट में देखा था मैंने ये 3 रोज पे मार्कर लगाए थे, तो ये मार्कर ही इसलिए लगे थे कि 1 2 3 उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 यहाँ हमने फ्रिल बनाई, फिर 1 2 3 अब हमें ये दूसरी फ्रिल यहाँ बनानी है। ज़रूरी नहीं है आप 2 बनाएं, आप चाहें तो 1 बना ले। बाकी प्रोसेस उस वाले पार्ट में बताया हुआ है। अब ये सिर्फ इसमें हम फ्रिल बनाना, ये कंगूरे बनाना और ये देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए इतना मैंने बना रखा है, अब इसमें हम ये कंगूरे कैसे बनाते हैं ऊपर वाला ये वाला ये हम देख लेंगे। ये मैंने दूसरा कलर इसलिए लगाया कि थोड़ा सा ये इन्हेंस हो जाए और अट्रैक्टिव सा लगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, ये वाले कंगूरे बनाने के लिए देखिए आप को दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 5 सिंगल क्रोशिया मैंने बना लिए। तो ये देखिए 1 2 बन गई हैं, तीसरी हम बनाते हैं सिंगल क्रोशिया इस चेन में। ये 3, ये 4 और ये 5। 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम 1 2 3 ये 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद जो ये फर्स्ट वाली है इसमें हुक को घुसा के ये स्लिप स्टिच से ऐसे निकाल देंगे। तो ये देखिए ये ऊपर कंगूरा सा बन गया और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लिप स्टिच। अब यहाँ तो 5 है नहीं, तो जितने हैं हम उतने ही बना देंगे, 1 और 1 ये 3 और ये फर्स्ट वाली से हुक में इंसर्ट कर देंगे, क्योंकि ये देखिए ऐसे गैप दिख रहा है तो ये फिनिश नहीं लग रहा है, तो इसमें फर्स्ट वाले में ऐसे घुसा के ये स्लिप स्टिच से ऐसे इसको ज्वाइन कर देंगे। अब हम यहाँ पे अपने इस ऊन को काट देंगे। तो ये ऊपर वाले कंगूरे बनाने आपने देख लिए, अब हमने यहाँ पे धागे को काट के ऊन को काट के यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। तो ये हमारा ये वाला बन गया। अब हमें ये वाले कंगूरे कैसे बनाने हैं मैं आपको ये दिखा देती हूँ, फिर आपको मैं फ्रिल बनाना दिखाती हूँ। इस जगह से ऐसे ये जहाँ पे ये है हमने सिलाई की ये क्रोशे से ये देखिए ये ज्वाइन किया था, यहाँ पे हम ऐसे अपने ऊन को जोड़ लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे ये। इस जगह पे उसी जगह पे हुक को घुसाएंगे और ये 1 2 3 3 चेन बना ली और फिर ये ऐसे धागा लपेटेंगे और फर्स्ट वाली में हुक को घुसाएंगे और ये देखिए इस तरह से दिख रहा है आपको, ये 3 है, 3 का 2 2 का 1 डबल क्रोशिया बना ली। फिर सेम उसी स्पेस में हुक को घुसाएंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे ये। तो ये देखिए ये ऐसा सा हो गया। अब इसको हम ये देखेंगे यहाँ तक, ये जैसे ऐसे रख के देख लेंगे ये यहाँ तक आया, तो इस जगह पे ऐसे स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा पहला कंगूरा बन गया। एक बार आप और देख लीजिए, 1 2 3 हमने 3 चेन ली, उसके बाद हम ये धागा लेंगे और जो फर्स्ट वाली चेन थी उसमें हुक को घुसाएंगे जहाँ हमने स्लिप स्टिच बनाई थी वहाँ पे, ये देखिए 1 डबल क्रोशिया सेम उसी स्पेस में हुक को घुसाएंगे और ये देखिए ये दूसरी डबल क्रोशिया 2 ये 2 का 1। फिर इसको इस तरह से देख लेंगे ये यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसे निकालेंगे और इसको ये स्लिप स्टिच से ऐसे कर देंगे।
तो ये हमारे कंगूरे इसी तरह से फिर तीन चेन बना लेंगे और फर्स्ट चेन में दो डबल हुक को इंसर्ट करके दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ तक उस जहाँ तक ये आएगा कंगूरा वहाँ तक स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह से बनाते हुए यहाँ से ये चारों तरफ पैर के ओपन हिस्से में जहाँ से पैर डालते हैं पूरे में देखिए जैसे ये है पूरे में इसी तरह से यहाँ से ऐसे बना के और यहाँ पे फर्स्ट वाले में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो गए दोनों कंगूरे। अब हम बनाते हैं फ्रिल। फ्रिल हमें कैसे बनाना है, हम अपने पिंकून से और ये जो फ्रिल के किनारे हैं वो भी हम ये जैसे टॉप पे हमने बनाया था ये वाला उसी तरह ये फ्रिल के किनारे भी बनाएंगे। अब हमने देखिए क्या करना है, हमने जहाँ पे ये मार्कर लगाया ये देखिए हमने काउंट करके उस पार्ट में बताया हुआ है, तो यहाँ पे हमने मार्कर लगाया है यहाँ को हम घुसाएंगे और ये अपना पिंक ऊन हम जोड़ लेंगे। वहाँ पे हमने दूसरी तरह से जोड़ा था, यहाँ पे हमने आपको दूसरी तरह जोड़ के बताया, इसलिए आप कभी भी किसी भी तरह से जोड़ सकते हैं। ये देखिए इस तरह से लिया, जहाँ से मार्कर निकाला वहाँ से ये ऐसे लिया। अब यहाँ पे एक चेन ले लेंगे, दो तीन चार, चार चेन ले ली और चार चेन लेने के बाद ये देखिए यहाँ पे हमने चार चेन ली। अब हम इस जगह बीच वाले में चार चेन ली, एक दो और ये सेंटर, ये तीन है, तीन का जो ग्रुप है इसके यहाँ पे ये बीच वाले में तीसरे वाले में ऐसे हुक को घुसाएंगे और ये सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये देखिए ये इस तरह से ये स्पेस सी बन गई। फिर यहाँ पे चार चेन लेंगे, वन टू थ्री फोर, फिर हम यहाँ पे ऐसे देखेंगे यहाँ पे चार चेन ली ये छोड़ के ये बीच वाले में, ये इस जगह पे ये देखिए यहाँ पे चार चेन ली। अब हम ये इसमें हुक को घुसाएंगे और यहाँ पे हम ये दो स्ट्रिंग हमारे क्रोशिए पे आ गए। अब यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर एक दो तीन चार, फिर चार चेन हमने बना ली और ये देखिए एक दो तीन छोड़ दिया, ये चौथा छोड़ दिया, यहाँ पे बीच वाले में ये इस तरह से चेन जो है उसमें हुक को घुसाएंगे और यहाँ पे ऐसे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से हम चारों तरफ ये देखिए ये हमारा इस तरह से ये चेन स्पेस ये चार चेन का स्पेस बनता जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया, हम यहाँ तक बनाते जाएंगे और ये इस तरफ से जाएंगे, ये यहाँ से बनाते हुए इस मार्कर तक हम आ जाएंगे। यहाँ से हमने स्टार्ट किया ये चारों तरफ जैसे ये बनाया है इधर 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 ऐसे बनाते हुए गोल चारों तरफ जाते हुए हम यहाँ इस मार्कर तक आ जाएंगे। चार चेन और तीन छोड़ के सेंटर वाले में ये देखिए ये एक दो छोड़ा और ये बीच वाले में हमने सिंगल क्रोशिया बना ली। तो चलिए हम इसे चारों तरफ बना के कंप्लीट करते हैं। ये देखिए इस तरह से ये चार चेन की स्पेस बनती जा रही है। अब हम बिल्कुल इस तरह से बनाते हुए यहाँ इस जगह पे लास्ट में हम आ गए। इस मार्कर से हमने स्टार्ट किया था और इस मार्कर तक हमें आना था। एक बार आप और देख लीजिए, जैसे देखिए एक दो तीन चार बनाया और ये देखिए चार बनाने के बाद एक दो तीन और एक ये चार छोड़ देंगे यहाँ पे बनाया एक दो तीन और ये चार, ठीक है। अब इसके ये यहाँ पे हम ये इस जगह पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बनेगा, फिर एक दो तीन
और ये चार, और ये लास्ट जहाँ पे हमारा ये मार्कर है, सिंगल क्रोशिया। अब मार्कर हम निकाल देंगे और ये हमारा ये चेन स्पेस बनके तैयार। अब हम यहाँ पे हमें ये देखिए ये बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक दो तीन, तीन चेन ले ली, ये एज ए डबल क्रोशिया काउंट होगी और इसको हम अपने पीस को पलट लेंगे और जो ये चार चेन की स्पेस थी, देखिए जो ये चार चेन अभी हमने बनाया है ये स्पेस है, इसी स्पेस के अंदर एक तो ये चेन हो गई, एक डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया और फिर एक डबल क्रोशिया, मतलब टोटल चार डबल क्रोशिया हमें बनानी है ये इस तरह से। ये एक जो ये तीन चेन थी ये भी एज ए डबल क्रोशिया काउंट होगी, तो दो डबल क्रोशिया हो गई, बीच में एक चेन, फिर दो डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे एक चेन ले लेंगे और फिर ये हम नेक्स्ट स्पेस में ये जो नेक्स्ट वाला एक चेन ले लिया और ये नेक्स्ट स्पेस में हम बनाएंगे चार डबल, पहले तो दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, दो के बाद एक चेन, फिर दो डबल क्रोशिया, एक और एक ये दो, ठीक, फिर एक चेन और फिर नेक्स्ट स्पेस में दो डबल क्रोशिया, एक चेन, दो डबल, इसी तरह से यहाँ से जैसे ये है ये बनाते हुए हम ये पूरा चारों तरफ बना के जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ तक हम बना लेंगे। तो चलिए आप भी बनाइए, ये देखिए इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए, यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनाई, एक चेन, एक डबल क्रोशिया बनाई और एक डबल क्रोशिया जो है हम इस चेन स्पेस में बनाएंगे, ये ऐसे, ठीक है, ये इस तरह से, ये ज़्यादा दूर पड़ रहा है, थोड़ा गैप ज़्यादा दिख रहा है, तो हम ये इसके जस्ट बगल वाले चेन स्पेस में इसमें ऐसे बना, फिर यहाँ पे हम तीन चेन लेंगे, एक दो तीन जैसे लिया था, और उसके बाद ये चेन जो है एज ए डबल क्रोशिया काउंट होगी, तो ये जो दूसरी ये जो नीचे डबल क्रोशिया बनी है इसके टॉप वाले में हुक को इंसर्ट करेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये चेन और एक ये दो हो गई, और ये जो एक चेन का स्पेस है इसमें दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए जैसे ये है ना, एक डबल क्रोशिया बना लिया, एक चेन, फिर उसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया, और ये जो दोनों डबल क्रोशिया पहले की थी ये और ये इनके टॉप में हुक को इंसर्ट करेंगे, तो एक और एक ये दो, पहले बार में चार थी और अब देखिए एक दो तीन चार पाँच छः हो गई, एक तो चेन हो गई, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, एक चेन जो थी उस स्पेस में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक डबल क्रोशिया और दो डबल क्रोशियों के ऊपर डबल क्रोशिया, इस तरह से, फिर यहाँ पे एक चेन लेंगे, अब इसमें देख लीजिए आप, देखिए ये जो डबल क्रोशिया है दोनों इनके टॉप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, दूसरी डबल क्रोशिया के ऊपर दूसरी डबल क्रोशिया, और ये जो एक चेन का स्पेस है इसके अंदर एक डबल क्रोशिया, तो ये तीन डबल क्रोशिया हो गई, फिर एक चेन लेंगे और फिर एक चेन के स्पेस में एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे ये इस तरह से, और फिर इन दोनों डबल क्रोशियों के ऊपर डबल क्रोशिया, एक और एक ये दो, पहले राउंड में चार थी, दूसरे राउंड में ये छः हो गई और तीसरे राउंड में देखिए ये कुल तीन राउंड बने हैं हमारे, पहले में चार, दूसरे में छः, अब उसके बाद तीसरे वाले राउंड में देखिए तीन चेन, एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, सेम वही प्रोसेस होगा और ये इस तरह से हमारी फ्रिल बनके तैयार हो जाएगी, और सब जब फ्रिल बन जाएगी, अगर आप और राउंड बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने ये तीन राउंड ही बनाए हैं, आई थिंक आपको ये क्लियर दिख रहा होगा, पहले में चार, फिर छः, फिर आठ, ये चेन स्पेस में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया और नीचे वाले डबल क्रोशियों के ऊपर डबल क्रोशिया, और ये पूरा होने के बाद फिर जैसे हमने ये कमर पे बनाया था ये,
कंगूरे, वैसे ये कंगूरा बना लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया, ये जो चेन स्पेस है इसमें ये 3 चेन से हम कंगूरा बना लेंगे, फिर पूरे सिंगल क्रोशिया, फिर इस चेन स्पेस में एक कंगूरा। इसी तरह से करते हुए सेम पैटर्न अप्लाई करते हुए एक राउंड हम और बढ़ा लेंगे, बना लेंगे। ये 6 का है, वो 8 का राउंड करने के बाद ये कंगूरे बना लेंगे, जो ये चेन स्पेस है इसमें ये वाला कंगूरा बनाएंगे। तो इस तरह से ये वाला मैंने आपको बनाना बता ही दिया। तो इस तरह से हमारी ये पैंटी बनके, बेबी पैंटी बनके तैयार हो जाएगी, और वो इस तरह से दिखाई देगी, इस तरह से वो दिखाई देगी। तो आई थिंक आप बहुत ही इजी वे में आपने इसे अट्रैक्टिव सा बना दिया। आप कलर चाहें तो एक फ्रिल एक कलर से बनाएं, दूसरी फ्रिल दूसरे कलर से बना सकते हैं। तो आप भी इसे बना के वो पहले वाले पार्ट को देख लीजिए, और ये सेकंड पार्ट से बना के अपनी ये बेबी के तैयार करिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इन्जॉय क्रोचेटिंग, थैंक यू।